वैसे ना स्टैंड अप कमेडियन नू कभी इग्नोर ना करो, पता नहीं 5 साल बाद मैं ही ताडे बिजली दे बिल माफ करन दिया वा। सारे नू सत श्री अकाल जी, मेरे वालों थैंक यू सो मच सती मैम, ते सत श्री अकाल जी जी। अज पंजाबी दी गल हो रही, मैं भी सिर्फ पंजाब दी ते पंजाबियां दी ही गल करांगा, पर मैं कोई भी शो शुरू करदा ना मैं परमात्मा दे नाम तो करदा। किन्नू किन्नू लगदा बच्चे जड़े हुंदे आ भगवान दा रूप हुंदे आ, लगदा किसे नू? बच्चों तो इलावा लगदा, हाँ सही गल आ, बच्चे रब दा रूप हुंदे ने, क्योंकि एक कदी भी किते भी प्रगट हो जाते। मैं एक बार शो कर रहा सी, मैं शो शुरू किया, एक बच्चा स्टेज पर आ गया, आ सकता रब का रूप? 2 मिनट बाद वो मेरे माइक की तार खिंच रहा, खिंच सकता रब का रूप है? अगले 5 मिनट बाद वो मैनू पापा पापा कहन लग पा। बच्चा स्टेज पर आया, माइक की तार खिंच रहा, ठीक है, काफ़ी क्यूट। मैं कहा फिर क्या, अच्छा लग रहा सी मैनू। प्रॉब्लम यही है, बच्चा स्टेज पर आया, माइक की तार खिंच रहा, मैं पापा पापा कह रहा। दिक्कत यह सी, उस दिन मैं अपनी वाइफ नू पहली बार शो दिखाने लेके आया सी। फिर मैं बुलाया, मैं कहा लैके जा इनू, मेरा ही बच्चा सी। मैं एक बार अपने पापा ने पूछा, मैं कहा पापा लुधियाना का फेमस की है? कोई है लुधियाना तो? क्यों यस कोई लुधियाना? अरे काफ़ी लोग। मैं पापा ने पूछा लुधियाना का फेमस की है? कहिंदे वड्डियां वड्डियां गड्डियां, वड्डे वड्डे दिल, मुस्कुराओ तुसी लुधियाना चो। पर मैं इस गल एग्री नहीं करता सी। फिर मैं एक बार शो करन गया, मैं कैब बुक की, कैब वाले का फोन आया, कहिंदा मैं आ गया। मैं होटल के बाहर गया, उत्थे कोई कैब नहीं सी। मैंने फोन किया, मैं कित्थे है? कहिंदा होटल के बाहर। मैं कहा दिखते रहा नहीं? कहिंदा अपने राइट साइड पर देखो, वाइट कलर की ऑडी। ऑडी? मेरा सिर घूमन लग पाया, क्योंकि जिदे खुद के विआह ते डोली वाली कार वैगनर होवे उन्हूं कैब वाले ऑडी भेज रहे। मैं कहा नहीं, किडनी मेरे को नहीं दिती जानी। कहिंदा नहीं भाई, नॉर्मल रेट। मैं कहा इहो जिहा की होया, तू इन्ना पैसा लाया ऑडी लई कैब वास्ते? कहिंदा पैसा पूगा कोई नहीं लाया, ये तो मैं 10th क्लीयर की, पापा ने गिफ्ट की। लुधियाना च 10th क्लीयर करन ते ऑडियां वंडियां जा रही ने। मेरी 10th क्लीयर हुई, मैनू मिले सैकल, वह भी लेडी, क्योंकि जो मेरी 10th क्लीयर हुई, मेरी भैन की 8th क्लीयर हुई ही, सांझा सैकल। कौन कौन सी? कौन लुधियाने के? कौन कौन सी? जस्ट स्टेज बहुत अमीर लोग, इन्ना बारी इन्ना क्लैप होनी चाहिए एक बारी, जिन्हें लुधियाने के बहुत ज़्यादा पैसा, पूरी दुनिया में सैकल बेचते हैं, आप जैगुआर तो घट गल नहीं करते। मैं बस एक मैसेज देना चाहना, तुहाडे को बहुत ज़्यादा पैसा है, थोड़े थोड़े पैसे पा के ना घंटा घर दियाँ घड़ियाँ तो सैल चेंज कराओ। अंबरसर तो दिल्ली जाओ, दिल्ली अंबरसर, सारिया घड़ियाँ 10:15 है। अंबरसर तो है कोई किमी एस? एक दो, अच्छा काफ़ी लोग अंबरसर वाले पहुँच जाते हर जगह। हाँ एक ही दिक्कत है, असी ना ट्रैवल करते टाइम सो नहीं सकते, क्योंकि नाल वाली सीट पर जो बंदा बैठा होंगे ना, सानू देख के वह बंदा बंदा नहीं रहा, वह बन जाती है मजे लैन वाली मशीन। दूसरी गल, साडे लई वर्ड्स ही नहीं बने, एक्सक्यूज मी सर मिस्टर ना, साडे लई एक वर्ड बनया, वह आ भाजी, मल्टीपर्पस इको फ्रेंडली वर्ड भाजी। मैं खड़ा, मेरे डैडी खड़े, मैं भाजी, मेरे डैडी भी भाजी। हुण बस च बैठे नाल वाली सीट ते मशीन चालू हो गई, भाजी कहाँ से? मैं कहा अमृतसर से। वाओ कितने लकी हो ना आप। मैं कहा यार मैनू क्यों नहीं पता, आपके वहाँ बॉर्डर है ना बॉर्डर? मैं कहा तू कह रहे हैं तो जरूर होएगा, पर आप तो रोज आते हो कि परेड देखने, गोलियों की। मैं कहा मेरा घर बंकर ते बने आया, फौजी हाड़ी गली च अपनी टैंक तोपा खड़ियाँ कर दे, तो जिस दिन आप परेड देखने ना ना पहुंचिए फोन आ जाता, जय हिंद आप आ रहे हैं कि परेड शुरू कर दें। हूँ ना गले गले चो लंघ के अखा था नहीं होकर दिमाग च नींद आई है, एर्च पता नहीं कि माता आई है, कुलचे बड़े सही नहीं थे। मैं कहा हाँ जी आप तो कुलचे खाते होंगे ना, आपके तो घर बंद। मैं कहा हाँ ये गल तू सही की है, कुलचा साडा जीवन मरना,
ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੁਲਚਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਦਾਦਾ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ, ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੁਲਚਾ ਖਵਾ ਦਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਟਾਉਂਦੇ, ਕੁਲਚਾ ਖਾਣ ਨੇ। ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਓ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50% ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 50 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ PR ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ 2016 'ਚ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡੇ। ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 10th ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨੀਟੋਬਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਇਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਂਟੇ ਮੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਂਟੇ ਮੋਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਂਟੇ ਮੋਲ, ਉਸੇ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੁਤਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਫੋਰ ਮਾਈ ਸਾਈਡ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਟ।